भारत की अध्यक्षता में शनिवार को शुरू हुए दो दिनों का G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और आखिरी दिन, आज होगा समिट का तीसरा सेशन। कल दो सेशन हुए, पहले सेशन में ही नेताओं में डिक्लेरेशन पर बन गई सहमति। G20 समिट में हिस्सा लेने आए विश्व नेता आज सुबह 8:15 से लेकर 9 बजे तक पहुंचेंगे राजघाट। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर लाउंज के अंदर शांति दीवार पर करेंगे हस्ताक्षर। राजघाट पर सुबह 9 बजे से 9:20 तक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे विश्व के नेता। महात्मा गांधी के पसंदीदा भक्ति गीतों की होगी लाइव परफॉर्मेंस। राजघाट की सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता। सुबह 9:20 पर सभी मेहमान जुटेंगे राजघाट पर, लाउंज से ही मंडपम के लिए रवाना होंगे मेहमान। सुबह 9:40 से लेकर 10:15 तक विश्व नेता और प्रतिनिधि मंडल प्रमुख पहुंचेंगे भारत मंडपम। सुबह 10:15 से 10:28 तक प्रगति मैदान परिसर में होगा खास कार्यक्रम। भारत मंडपम के साउथ प्लाजा में होगा वृक्षारोपण समारोह। सभी मेहमान अपनी अपनी पसंद का पौधा लगाएंगे। वृक्षारोपण के बाद सुबह 10:30 से शुरू होगा G20 समिट का तीसरा सत्र। वन फ्यूचर फिर स्वीकार किया जाएगा दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसके बाद होगा समापन और प्रेसिडेंसी हस्तांतरण समारोह। दोपहर 12:30 होगा समिट का समापन। पीएम मोदी आज 9 देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। शिखर सम्मेलन के समापन पर पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच वर्किंग लंच पर होगी मुलाकात। मोदी मैक्रों द्विपक्षीय बातचीत में नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर्स पर होगी चर्चा। 3 स्कॉर्पियन सबमरीन और जेतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर भी हो सकती है बातचीत। मोदी मैक्रों द्विपक्षीय बातचीत में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर भी होगी चर्चा। राष्ट्रपति मैक्रों दोपहर 3 बजे इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के बीच नहीं होगी द्विपक्षीय बातचीत, लेकिन शिखर सम्मेलन के इतर दोनों करेंगे अलग से मुलाकात। खालिस्तान आतंकवादियों के मुद्दे पर होगी चर्चा। पीएम मोदी आज भारत के अहम साझेदार देशों यूएई और दक्षिण कोरिया के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ होने वाली द्विपक्षीय वार्ता भी होगी अहम। G20 के अहम स्थानीय सदस्य यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के नेताओं के साथ भी पीएम करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका के बाद यूरोपीय संघ है भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। पीएम मोदी आज ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। ब्राजील को ही भारत सौंपेगा G20 की अगली प्रेसिडेंसी। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के साथ भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर में स्वामी नारायण के कर रहे हैं दर्शन। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी के साथ थोड़ी देर पहले पहुंचे अक्षरधाम मंदिर। माना जा रहा है कि दोनों करीब 1 घंटे का वक्त मंदिर में बिताएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 समिट में आए नेताओं और प्रतिनिधियों के लिए भारत मंडपम में किया रात्रि भोज का भव्य आयोजन। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने मेहमानों का किया स्वागत। रात्रि भोज शुरू होने से पहले राष्ट्रपति और पीएम ने खास मंच पर किया अतिथियों का स्वागत। मंच की पृष्ठभूमि में नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष की दिख रही थी झलक। नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है शामिल। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडेन समेत तमाम नेताओं को दी नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी पहुंची रात्रि भोज में। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने दोनों का किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अपनी पत्नी योको किशिदा के साथ पहुंचे रात्रि भोज में। दोनों का गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। साड़ी पहनी योको किशिदा का खास अंदाज में स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने रात्रि भोज के लिए पहुंचे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक येओल का स्वागत किया। येओल के साथ उनकी पत्नी भी पहुंची थी डिनर में। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज भी रात्रि भोज में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनाथ अपनी पत्नी के साथ डिनर में शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और इटली के पीएम का किया जोरदार स्वागत। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरो भी शामिल हुए रात्रि भोज में।
राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत मंडपम में G20 के अन्य नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों और गणमान्य अतिथियों को निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से अगवानी की। नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र और उसके हरे भरे लॉन रात में रंगीन रोशनी में जगमगाते नजर आए। फव्वारों और नटराज की मूर्ति ने भव्यता में लगा दिए चार चांद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए G20 रात्रि भोज में। प्रधानमंत्री मोदी से हुई नीतीश कुमार की मुलाकात। एनडीए छोड़ने के बाद पीएम मोदी से पहली बार मिले नीतीश कुमार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी हुए रात्रि भोज में शामिल। हेमंत सोरेन ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में शामिल हुए। बाकी तीन कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम नहीं पहुंचे डिनर में। राष्ट्रपति मुर्मू की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में शामिल हुए तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन। सनातन धर्म को लेकर छिड़े विवाद को फिलहाल दरकिनार करते हुए स्टालिन पहुंचे डिनर में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में। ममता बनर्जी ने कई मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, G20 जैसे जब भी आयोजन होते हैं तो उसके होते हैं बहुत मायने। डिक्लेरेशन का अध्ययन करने से पता चलेगा कि कई क्षेत्रों में भारत हासिल कर चुका है बहुत बड़ी पोजीशन। हरदीप पुरी बोले, G20 सियासी फैसले लेने का नहीं है मंच, यहाँ पर होते हैं आर्थिक और वित्तीय फैसले। कुछ विपक्षी नेताओं के नहीं आने पर बोले, उन्होंने सुनहरा अवसर गवाया। G20 मेहमानों के लिए राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में न्योता न मिलने पर भड़के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले, केंद्र सरकार को नहीं करनी चाहिए ओछी राजनीति। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बोले, रात्रि भोज में मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाना गलत बात। इंदिरा जी के समय में 100 राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, ये तो 20 देशों के ही मेजबानी कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने G20 आयोजकों पर सवाल उठाए। विपक्षी नेताओं को न बुलाने पर नाराजगी जाहिर की। कहा, G20 है रोटेशनल, हर साल होता है, इसमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। विपक्षी नेताओं को राष्ट्रपति की तरफ से दिए गए रात्रि भोज में न बुलाने पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज। बोले, लोग कर रहे हैं G20 में जी का मतलब घोसी है क्या। असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा ने केंद्र को कहा शुक्रिया। बोले, G20 सम्मेलन में असम की सांस्कृतिक झलक दिखाने से बढ़ा राज्य का मान सम्मान। भूपेन हजारिका के गीतों ने समा बांधा। G20 शिखर सम्मेलन में तेलंगाना के करीमनगर हस्तशिल्प कला की मची धूम। 200 से अधिक कारीगर पहुंचे हैं भारत मंडपम। उनके बनाए अशोक चक्र बैज दिए जाएंगे प्रतिनिधियों को। करीमनगर शिल्पकारों के लिए भारत मंडपम में लगाया गया है खास स्टॉल। वहीं प्रदर्शित की गई है सिल्वर फिलिग्री की प्रीमियम कृतियां। करीमनगर सिल्वर फिलिग्री को 2007 में मिला था GI टैग। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। पीएम मोदी ने एक्स पर किया पोस्ट। व्यापार, वाणिज्य, रक्षा और उभरती प्रौद्योगिकी पर चर्चा हुई। भारत इटली वैश्विक समृद्धि के लिए मिलकर करते रहेंगे काम। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने जताई सहमति। दोनों देशों में आर्थिक सहयोग और बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। भारत और जापान कम्युनिकेशन और वाणिज्य में संबंधों को आगे ले जाने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से इतर अपने जापानी समकक्ष फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया पीएम किशिदा के साथ हुई सार्थक बातचीत। हमने भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों और भारत की G20 और जापान की G7 अध्यक्षता से संबंधित मुद्दों का जायजा भी लिया। पीएम मोदी और ब्रिटेन के पीएम सुनक के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। कारोबारी संबंधों को मजबूत करने पर, द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा हुई। पीएम सुनक G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को पहुंचे दिल्ली। समिट के पहले सत्र के बाद दोनों नेताओं ने की द्विपक्षीय बैठक। सुनक ने नमस्कार की मुद्रा में किया प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन। पीएम मोदी ने बैठक के बाद एक्स पर किया पोस्ट। पीएम ऋषि सुनक से मुलाकात रही शानदार। भारत और ब्रिटेन समृद्ध एवं टिकाऊ धरती के लिए काम करना रखेंगे जारी। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के प्रवक्ता ने कहा, पीएम मोदी और भारत सरकार की G20 की अध्यक्षता के दौरान दिखाए गए नेतृत्व से मिली काफी खुशी। पीएम मोदी ने इस समिट में ग्लोबल साउथ पर किया ध्यान केंद्रित। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस ने भारतीय नेतृत्व की तारीफ की। कहा, BRI
एससी के संस्थापक ने देशों के लिए शानदार फैसला लिया। संगठन में 5 और देशों को शामिल करना ऐतिहासिक फैसला। अल्बर्टो फर्नांडीज ने कहा, हमें अमेरिकी डॉलर की जगह दूसरी वैकल्पिक मुद्रा के चलन पर करनी चाहिए कोशिश। ब्रिक्स में अर्जेंटीना को शामिल करने के लिए पीएम मोदी और चीन से की है गुजारिश। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड ने एबीपी न्यूज पर कहा, अमेरिकी और भारत के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता और WTO पर बोली, पूरी दुनिया की समस्या को हम करना चाहते हैं दूर। चीन के राष्ट्रपति के दिल्ली न आने के मुद्दे पर बोली अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता, हर देश भेज सकता है अपना प्रतिनिधि, जो भी प्रतिनिधि आएगा उसके साथ हम मिलकर करेंगे काम। G20 शिखर सम्मेलन के मंच पर बड़ी घोषणा, भारत मध्य पूर्व यूरोप कनेक्टिविटी कॉरिडोर का ऐलान। भारत, अमेरिका, UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी की होगी भागीदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, इकोनॉमिक कॉरिडोर है बड़ी डील। बाइडेन बोले, इससे नौकरियां और खाद्य सुरक्षा भी मिलेगी। चीन परियोजना का करता रहा है विरोध। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर पूरे विश्व को सतत राह दिखाएगा। पीएम ने उन देशों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस कॉरिडोर की स्थापना के लिए साथ काम किया। प्रधानमंत्री बोले, भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं करता, कनेक्टिविटी आपसे विश्वास को मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। समिट में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हम एक विकसित भारत की रख रहे हैं मजबूत नींव। PGII के माध्यम से ग्लोबल साउथ देशों में बुनियादी ढांचे को किया जा रहा है मजबूत। कॉरिडोर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बोले, देशों के बीच संपर्क से न सिर्फ व्यापार बढ़ता है बल्कि उनके बीच भरोसा भी कायम होता है। परियोजना में 2 आर्थिक कॉरिडोर होंगे शामिल, एक पूर्वी गलियारा जो भारत को पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व से जोड़ेगा। बाइडेन बोले, इस गलियारे के प्रमुख हिस्से के रूप में अमेरिका जहाजों और रेलगाड़ियों में जो करीब निवेश करेगा, जो भारत से UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूरोप तक जाएगा। रेल लिंक के साथ ये भारत अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच सबसे सीधा कनेक्शन होगा। G20 समिट में लिए गए 7 बड़े फैसले, अफ्रीकन यूनियन को G20 में किया गया शामिल। समिट में 73 ऐसे मामले आए जो विश्व की मौजूदा समस्याओं से जुड़े थे, इनका समाधान निकालने पर बनी सहमति। 39 ऐसे मामले आए जिन पर जरूरी दस्तावेजों के साथ सहमति बनाने पर चर्चा भी हुई। 2022 में इंडोनेशिया समिट के दौरान रखे गए थे 50 मामले, 2021 इटली समिट के दौरान 65, 2020 सऊदी अरेबिया और समिट के दौरान 30 मामले हुए थे एड्रेस। समिट के दौरान पीएम मोदी ने किया ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का शुभारंभ। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस दुनिया में वैकल्पिक और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने का एक प्रयास। अलायंस का मकसद बायोफ्यूल्स के मामले में वैश्विक भागीदारी को मजबूत बनाना है, साथ ही इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने की भी कोशिश। पीएम मोदी ने कहा कि फ्यूल ब्लिडिंग मामले में सभी देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सभी देशों ने सहमति दी, घोषणा पत्र में यूक्रेन संघर्ष और आतंकवाद समेत कई अहम मुद्दों का जिक्र। घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध पर जताई गई चिंता, घोषणा पत्र में कहा गया कि आज का युग युद्ध का नहीं है। किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ उसके भूभाग पर कब्जे के लिए बल प्रयोग या धमकी से बचना चाहिए, पर बल हथियारों का इस्तेमाल नहीं। घोषणा पत्र में दुनिया में बढ़ते आतंकवाद का भी हुआ जिक्र, धर्म या विश्वास के नाम पर सही तरह के आतंकवाद की निंदा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर एक समग्र दृष्टिकोण कर सकता है आतंकवाद का प्रभावी ढंग से मुकाबला। G20 समिट में उठा अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन का भी मुद्दा। घोषणा पत्र में कोयला आधारित बिजली के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से कम करने पर फोकस। क्रिप्टो करेंसी को लेकर नीति और एक्सचेंज डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर भी बनी सहमति। घोषणा पत्र में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत को मिली कामयाबी का भी जिक्र। G20 देशों ने धर्म का मुद्दा भी उठाया। करप्शन के मुद्दे पर भी G20 ने दिखाई प्रतिबद्धता, कहा भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घोषणा पत्र में कहा गया कि संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की हो रही है कोशिश, मगर इसके साथ साथ कूटनीति और संवाद भी जरूरी। G20 घोषणा पत्र पर बनी आम सहमति, भारत की कूटनीतिक कवायद लाई रंग, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया से मिला मजबूत समर्थन। घोषणा पत्र पर सहमति बनने के बाद पीएम मोदी बोले, हमारी टीम की कड़ी मेहनत और सहयोग के कारण G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर आम सहमति बन पाई।
पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति के साथ ही रचा गया इतिहास। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, G20 ने भारत को विश्व के लिए और विश्व को भारत के लिए तैयार करने में योगदान दिया। एस जयशंकर का बयान, कहा वैश्विक नेताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि G20 भू राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को हल करने का मंच नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि G20 नेताओं ने की आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, हमारे लिए है यह गर्व की बात, अफ्रीकन यूनियन को भारत की अध्यक्षता में G20 की स्थायी सदस्यता मिली। G20 समिट में सदस्य देशों की फैमिली के लोग भी पहुंचे, हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में जानकारी ली। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर बनी सहमति के लिए पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में रूस यूक्रेन का जिक्र, दोनों देशों के बीच ग्रेन ड्रिल को फिर से बहाल करने पर अपील की गई। घोषणा पत्र के मुताबिक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंकों को दी जाएगी मजबूती। तेजी से विकास करने वाले शहरों को दिया जाएगा फंड, ग्रीन और कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर भी किया जाएगा काम। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने डिक्लेरेशन को बताया ऐतिहासिक, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने शानदार काम किया। अमेरिका में आया इंडिया टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट एक्ट, अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर होगी अब पाबंदी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत की शानदार मेजबानी से हुए खुश, बाइडेन ने की प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बोले, ऐतिहासिक कदम के लिए सभी सदस्यों को देना चाहता हूं धन्यवाद। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने पर जयशंकर बोले, बाली में हुई G20 बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी इस बात की गारंटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट, नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर बनी सहमति को लेकर पीएम मोदी को दी बधाई। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत का सोशल मीडिया पर पोस्ट, कहा आज के युग को मानव केंद्रित वैश्वीकरण के स्वर्ण युग के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया एक्स पर पोस्ट, लिखा ये परियोजना सिर्फ ट्रैक बिछाने से ज्यादा गेम चेंजिंग साबित होगी।